नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद आपको फिर से अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज हमने जो वीडियो बनाया है वो पिछले वीडियो का ही एक कंटिन्यूअस रूप है। पिछले एक वीडियो करंट अफेयर्स का मैंने बनाया था जिसमें था इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ 2020। उसी वीडियो को मैं यहाँ पे जितने भी इंडेक्स बच गए थे यहाँ पे मैं सारे को कवर करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए एक बहुत उपयोगी साबित होगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ 2020 का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने अभी तक जो देखा था मेन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारा है वो है किड्स राइट इंडेक्स। किड्स राइट इंडेक्स मानी बच्चों के अधिकार के लेकर के सूचकांक है ये। अब ये कौन जारी करता है? तो ये किड्स राइट फाउंडेशन है एक संस्था और इरेमस यूनिवर्सिटी रोटरडम, ये दोनों संयुक्त मिलके उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। अब देखिए उसमें किस बेसिस पे वो तैयार करते हैं और क्यों तैयार करते हैं। तो वो एक्चुअली बच्चों के लिए जो सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए सरकार या उसके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए जो धनराशि खर्च करनी है वो खर्च कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या जो धनराशि उसको आवंटन करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए जो बजट उसको, वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कोविड-19 से किड्स राइट जो है बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और ज्यादातर देश जो है जो धनराशि बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा पे खर्च की जानी चाहिए वो नहीं किया गया है। और इसमें अगर हम देशों की देखें रैंकिंग तो आइसलैंड जो है फर्स्ट स्थान पे है और स्विट्जरलैंड सेकेंड स्थान पे है, जबकि इंडिया टोटल 182 देशों का रैंकिंग हुआ था उसमें से इंडिया 113 स्थान पे है। तो सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च, मतलब जितना वो खर्च ज्यादा कर पाएंगे या जितना अच्छा से एलोकेट कर पाएंगे वो देश की रैंकिंग उतनी अच्छी हो पाएगी किड्स राइट इंडेक्स में, क्योंकि हमेशा बच्चों से ही समाज, अच्छे बच्चों की अगर शिक्षा सुरक्षा और स्वस्थ होगा तो उसी से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, मतलब कि देशों में, हर देश में बिजनेस करना कितना आसान है। जैसे इंडिया है या बाहर के अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो सभी देश अपने देश में चाहते हैं कि विदेशी आए, विदेशों की कंपनियां आए और या अपने देशों की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले और उनको फायदा हो, देश को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है जारी करता है इसको। अब इसमें जो फर्स्ट स्थान है न्यूजीलैंड का है और लास्ट स्थान जो है वो सोमालिया है, एक अफ्रीकन कंट्री का देश है सोमालिया, लास्ट स्थान सोमालिया का है। इंडिया का जो है रैंकिंग उसमें 63 है और 190 देशों में ये 63 पे रैंक है। इसका जो स्कोर मिला है इंडिया को इसके लिए 0 से लेकर 100 तक का स्कोर दिया जाता है, इंडिया को 71 मिला है 2018 में, जब ये जो अपना इंडेक्स दिया हुआ है 2020 का वो 2019 के डेटा पे कैलकुलेट किया गया है। अब 2018 का जो इंडेक्स आया था जो जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उसमें इंडिया का रैंक 77 था, जो कि इससे ये साबित हो रहा है कि इंडिया जो है 14 स्थानों की ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपने। और कोई भी देश का रैंकिंग तभी सुधर सकता है, उसके कुछ 10 पैरामीटर्स होते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, जिसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ये जारी करता है। इसमें 10 पैरामीटर में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टैक्स पे करना कंपनियों के लिए कि कितना टैक्स आसानी से पे कर पाता है या नहीं कर पाता है, बिजनेस को स्टार्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन डालना होता है तो कई जगहों से उसे गुजरना होता है। अब क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम है कि एक जगह आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनियों को दीजिए और उसी के थ्रू आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सुविधा दी गई है। जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर है, मतलब कि बॉर्डर दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो उसमें हमारा कितना ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी टैक्सेस कितने कम है या किस हिसाब से दिया गया है, तो वो बिजनेस कंपनियों के लिए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ रियायत अगर मिल पा रही है, पेइंग टैक्सेस
जो टैक्स पे कर रही कंपनी उसमें उसको रियायत मिल पा रही है कि नहीं पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी कितना देर अवेलेबल हो पा रही है उस देश को और कितने रेट में अवेलेबल हो पा रही है, ये सारे फैक्टरों को लेकर के वर्ल्ड बैंक जो है ये सूचकांक इस बार जारी किया है, जिसमें इंडिया का बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है जो कि 2018 में 77 था। नेक्स्ट इंडेक्स में देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। करप्शन क्या है दोस्तों? जो हमारे समाज में करप्शन है, जो ब्राइब लेते हैं या कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है उसके कारण जो करप्शन हो जाता है, ये सारे संस्था जो है एक ग्लोबल इंटरनेशनल संस्था है जो कि हर देशों में अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से संचालन करती रहती है। अब इसके लिए जो जारी करता ऑर्गेनाइजेशन है, इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल है। और ये एक है ग्लोबल कोएलिशन फॉर एंटी करप्शन, जो करप्शन को हटाने के लिए हमेशा अपना कार्य करते रहती है और उसी पे वो अपना जारी करता है हर देश का रैंकिंग कि कौन सा देश में करप्शन कितना ज्यादा है या कितना कम है उसके लिए जारी करता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्लीन देश मिले हैं, जो फर्स्ट पे रहे हैं, वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पर रहे और दोनों को 8800 में से 88 का स्कोर मिला है। अब 100 जिसका है वो वेरी क्लीन होगा और जो जीरो हो वो ज्यादा करप्ट हो पाएगा, सबसे ज्यादा करप्ट हो जाएगा जिसका स्कोर जीरो है। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों को 88 मिला है और दोनों संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पे है। इंडिया का जो स्कोर है वो 86 है। टोटल कितने देश की रैंकिंग जारी की गई थी? 180 देशों में इंडिया की रैंकिंग 86 है और स्कोर इंडिया क्या है 100 में 40 स्कोर है। अब इसमें ये संस्था ये चाहती है कि हमारी जो सरकार है, राजनीति है, लोग है, समाज है या व्यापार है, ये सब करप्शन से फ्री हो सके, इसके लिए ये सारे अपना रैंकिंग जारी कर रही है। चौथा है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। अब हर देश मैक्सिमम, अब हमारे जो दुनिया के देश है वो सब लोकतंत्र डेमोक्रेटिक हो गए हैं, तो किसमें लोकतंत्र का कितना ज्यादा महत्व है और कितना लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का कितना अच्छे से सुचारू रूप से वो कर पा रही है, उसके लिए ये सूचकांक जारी किया है। और जिसका जो इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रैंकिंग को जारी करता है। और इसमें जो फर्स्ट स्थान पे आया है नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे आया है, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये टॉप 5 देश है नॉर्वे के साथ में। इंडिया का जो पोजीशन है, टोटल 167 देशों का रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें इंडिया का पोजीशन 51 है और स्कोर इसमें जो 0 से लेकर 10 तक दिया जाता है, तो इंडिया जो है 6.61 का स्कोर के साथ 51 पोजीशन पे है। अब इसमें ये का रिपोर्ट में देखा गया कि इंडिया जो है डाउनग्रेड हो रही है लोकतांत्रिक सूचकांक में। जैसे 2014 की बात करें तो 27th पोजीशन था और 2019 में 49 पोजीशन है, अब 2020 में भारत का 51 पोजीशन है, तो दो पायदानों का इस बार भी नुकसान हो गया। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे कार्रवाई की गई या लोगों के स्वतंत्रता पे जो कार्रवाई की गई है इंडिया में, जो अभी हम देखे हैं कि 370 जो हटाने के बाद कुछ सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, तो उसके कारण से ये हमारा लोकतांत्रिक सूचकांक में डिग्रेशन आया है। खैर वो तो गवर्नमेंट का एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जहां पे जरूरत लगेगा वो तो आप कर्टेल करेगी ही मौलिक अधिकारों, गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संविधान के हिसाब से कुछ मौलिक अधिकारों को कर्टेल कर सकती है। जब हम पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से मौलिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, जिसमें गवर्नमेंट जो है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उस फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है, उसको कुछ जरूरत पड़ रहा होगा तभी वो किया है कर्टेल। लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोसी देशों से, जो हमारे पड़ोसी देश खासकर जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाके कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उन दो देशों से हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। अब आप रैंकिंग देखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, हमारे जो पड़ोसी देश जितने भी हैं, जैसे श्रीलंका देख लीजिए, वो उसका 68th पोजीशन है, बांग्लादेश का 76th पोजीशन है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान चिल्ला रहे थे कि हाँ भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसका 105 खुद का पोजीशन है, अफगानिस्तान का 139 पोजीशन है, इन सबों से हम बहुत आगे हैं। फिर भी चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अब सारे को आप एक बार फिर से देख लेंगे
तो आपको याद हो जाएगा। हमारा ये कोशिश है कि आप पढ़ते पढ़ते उसको याद कर ले, ताकि आप याद तो कर ही ले, ताकि उसको समझ ले कि इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन सा इंडेक्स कैसे जारी किया जाता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे किसी भी संस्था को जारी करने के लिए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब ये आप कहेंगे कि बौद्धिक संपदा आखिर होता है क्या? तो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा उसका खोज, उसका साहित्यिक कोई रचना है या संगीत है या किसी चीज में वो आविष्कार किया है, तो वो किसी कला का खोज किया है, किसी कृति का खोज किया है, तो वो उस व्यक्ति या उस संस्था का बौद्धिक संपदा कहलाती है। तो उसके लिए जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो उसको संरक्षण का विशेष अधिकार प्रदान, उस संस्था या व्यक्ति को संरक्षण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है, जिससे कि वो अपने जो खोज आविष्कार है या रचना है या संगीत है उसको वो सुरक्षित रख पाए। तो उसके लिए जो हमारा जारीकर्ता संगठन है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, जिसको जीपीआईसी भी कहते हैं, वो तैयार करती है। अब ये कितने मानकों पर तैयार करती है? तो इसके लिए वो 45 इंडिकेटर्स को देखती है, और 45 इंडिकेटर में क्या क्या आ सकता है, जैसे कोई व्यक्ति अपना खोज किया, रचना किया, तो उसको किस तरह से उसको सुरक्षित रख पाएगा, तो उसको या तो पेटेंट दे या कॉपीराइट अधिकार मिलता है उसको, या कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका ट्रेडमार्क चिन्ह मिलता है उसको, जिससे अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज करना चाहे तो पहले उस व्यक्ति या उस संस्था से उसको परचेज करना पड़ेगा। ये अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, जिससे क्या है कि पायरेसी है उसको खत्म किया जा सके। तो इस तरह से पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या ट्रेड कॉन्फिडेंशियल्स, ये सारे मिलाकर के कुल 45 इंडिकेटरों पे जीपीआईसी जो है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक विंग्स है, वो उस रैंकिंग तैयार करता है। और उसमें ये कहता है कि जो ज्यादा पेटेंट को या ट्रेडमार्क को या कॉपीराइट को संरक्षित कर पाती है उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी आती है। तो इसमें अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पे रहा है, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन टॉप 5 के देश रहे हैं। और 2019 का भी जो रैंकिंग हुआ था उसमें भी ये पांचों देश की स्थिति सेम थी, और इस बार 2020 की रैंकिंग में भी पांचों देश की रैंकिंग सेम है। इंडिया जो है टोटल 2020 में 53 देशों की रैंकिंग में इंडिया का 40 स्थान मिला है। उसमें स्कोर 0 से 100 दिया जाता है, जिसमें इंडिया को 38.43 इतना मिला है। और जबकि 2019 में 50 देशों का रैंकिंग जारी किया था, उसमें इंडिया का 36 पोजीशन था, उसमें स्कोर इंडिया को 36.04 मिला था 100 में। अब ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि बावजूद इसके इंडिया 4 स्थान पिछला है, भारत ने आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण है उसके लिए एक मजबूत दिशा में कदम उठाया है, फिर भी ये काम को उसको और अधिक करना पड़ेगा, वो भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत ने काफी अच्छी प्रगति की है। अब ये जो 53 देश है ना दोस्तों, वो 53 देश जो है ग्लोबल जीडीपी का 90% होल्ड ये देशों करती है, ठीक है। तो इसमें भारत ने बहुत अच्छा दिशा में प्रगति की है। नेक्स्ट इंडेक्स जो है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब ये देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो वैश्विक नाम ही है आतंकवाद सूचकांक, तो इसको कौन जारी कर सकता है? तो वैसा संस्था जारी कर सकता है जो शांति चाहता हो, पीस चाहता हो, इकोनॉमी चाहता हो वर्ल्ड में। तो इसके लिए जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेड ऑफिस जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो इस संस्था को जारी किया है। अब इसमें देखिए कि जिस देश में आतंकवादी घटना सबसे ज्यादा हुआ है उस देश को रैंकिंग 1 दिया गया है। तो इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को फर्स्ट पोजीशन मिला है, और भारत को जो है 8th पोजीशन मिला है, भारत को भी 8th पोजीशन मिला है, जबकि टोटल देशों की रैंकिंग 163 देश था उसमें रैंकिंग किया गया था,
और सबसे ज्यादा जो आतंकवादी घटना हुआ है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान 9.5 स्कोर के साथ पहले पोजीशन पे है। इराक, नाइजीरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो 7th स्थान पे है और इंडिया का 8th पोजीशन है। और ये जो ज्यादा इंडिया का पोजीशन खराब होने का ये कारण बताया जा रहा है कि पिछले साल जो जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवादी हमले हुए हैं, इसके कारण से इंडिया जो 8th पोजीशन में आ गया। अब 370 हटने के बाद हम आशा कर सकते हैं कि हमारी ये स्थिति में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो, क्योंकि अब आतंकवादी घटना कुछ कम होगी, क्योंकि हमारी जो आतंकवादी घटना ज्यादातर पाकिस्तान के कारण, टेररिस्ट फंडिंग के कारण हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, जो अब शायद कम हो जाए। यही रिपोर्ट में कहा गया भी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटना हुई है भारत में, ठीक है। और सूचकांक वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिव रैंकिंग 2019 का जो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करती है, और इसके लिए फर्स्ट पोजीशन अमेरिका को मिला था और इंडिया को 44th पोजीशन मिला था। तो ये दोस्तों, अब मैं ये 2020 का महत्वपूर्ण जितने सूचकांक था करीब करीब मैंने बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अब नए सिरे से जो चालू करेंगे वो 2021 की रैंकिंग चालू करेंगे फ्रेश तरीके से, जिसमें हम सारे अब जितने भी आएंगे सारे को इंक्लूड करते चलेंगे। ये 2020 के कुछ कुछ मुख्य जो इम्पोर्टेंट सूचकांक था उसको मैंने बता दिया। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार इस वीडियो को देखने के लिए आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा समझ भी आ जाएगा, फिर 2021 का जो रैंकिंग बताएंगे तो इतना डिटेल्स आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ जानते रहेंगे। केवल रैंकिंग, इंडिया का रैंकिंग, वर्ल्ड का रैंकिंग आप देख लेने में आपका काम हो जाएगा। तो आप मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।